हनुमानगढ़ से है, जहाँ जिला मुख्यालय पर कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के छठे दिन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने साइकिल चलाकर आमजन को कोरोना से बचाव और फिट रहने का संदेश दिया है। मुख्यालय पर टाउन में फोर्ट स्कूल से लेकर जिला अस्पताल तक इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से फोर्ट स्कूल और जिला अस्पताल में बनाई गई रंगोली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स की शपथ भी दी और कहा कि पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा साइकिल रैली के इंचार्ज बनाए गए। जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने पूरी रैली में जागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी लोगों को दी। सभी को किया गया जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए मोटिवेट। एसडीएम कपिल यादव, नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह, अमित महेश्वरी समेत अन्य अधिकारी गण एवं मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। तहत आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और सभी लोग फोर्ट स्कूल से हनुमानगढ़ जिला अस्पताल तक साइकिल चला के आए हैं। मैं सभी के हौसले के साथ देखता हूँ और ख़ासतौर से हमारे जितने भी साथी लोग इसमें हिस्सा लिए हैं और फिट हनुमानगढ़ टीम के सभी लोग आए हैं। और इस रैली का उद्देश्य यही है कि कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, उनको ये बताया जाए कि कोरोना में क्या करें क्या नहीं करें। और इसके तहत हम हर दिन अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज इस रैली का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और संदेश यही देना है कि फिट रहेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। मैं पुनः सभी जिलावासियों से ये अनुरोध करूँगा कि अपने आप को भी बचाएँ और दूसरों को भी बचाएं। जितनी सावधानियां बरतनी है उनको बरतते हुए कोरोना महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी। थैंक यू सर। सर थोड़ा धीरे ऐसे कर दे, धीरे साइकिल तो तेज ही चलेगी। बेटा एंटी वायरस पक्का हो गया सर। रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा। अपने आसपास के लोगों को इन सावधानियों को अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत मानवता की सेवा में अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद। कोई घट नहीं है हम देखने वाले।